मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये चल रहा है जुलाई का महीना और जुलाई के महीने में 1 से 7 जुलाई जो कि फर्स्ट वीक है जुलाई के महीने का, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या घटनाएं घटी एक हफ्ते में, उसमें आज हम वीडियो में पूरा देखेंगे, कवर करेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि सक्सेस मंच का है और फेसबुक पेज सक्सेस मंच के ही नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको PDF नहीं मिल रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें ताकि मैं उनके पर्सनल ID पे PDF सेंड कर सकूं, क्योंकि PDF की बहुत ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं। तो देखते हैं 1 से 7 मई के बीच में नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल, स्पोर्ट्स में क्या नया हुआ, लेट्स वॉच। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पिडो डिकाय सिस्टम शामिल किया गया है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है मारिच। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पिड डिकाय सिस्टम मारिच को अपने बेड़े में शामिल किया गया है। सिस्टम को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है और यहाँ आने वाले टॉर्पिडो का पता लगाने और उनकी लोकेशन की जानकारी देने और उन्हें बेअसर करने में ये सक्षम है। अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो इसे इंग्लिश में इंडियन नेवी कहा जाता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और नौसेना के अध्यक्ष हैं इस समय एडमिरल करमवीर सिंह। DRDO की यहाँ पे बात करते हैं तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अब यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और लोगों का कोविड के साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल यहाँ के हैं लालजी टंडन। और अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, और एक और है सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वो हैं, वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 59 चीनी ऐप पर बैन लग चुका है इस समय। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। ऐप में कुछ एग्जांपल जैसे कि टिकटॉक, शेयर इट, UC ब्राउज़र एक्सेट्रा, इस टाइप के ऐप हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस मंत्रालय ने इसको ब्लॉक करने का निर्णय किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हमारे बने हैं अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। वर्तमान में आयरिश संसद के निचले सदन में कुल जो हैं 160 सीटें हैं। इस चुनाव में माइकल मार्टिन के पक्ष में 93 वोट, 63 विरुद्ध में और 3 पर मतदान ही नहीं हुआ था। वह 2011 से फियाना फील्ड पार्टी के नेता भी हैं। आयरलैंड की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है डबलिन, इसकी मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है माइकल डी हिंगिस और अभी प्रधानमंत्री जो बने हैं वो है माइकल मार्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICC के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नितिन मेनन। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है और उन्हें आगामी 2020-21 के सत्र के लिए एलीट पैनल में शामिल किया गया। अगर ICC की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, मतलब कि 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई में, CEO है इसके मनु साहनी और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं जो है इंडियन शशांक मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा अगले 4 महीने में अपने गृह लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले 4 महीने तक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नरेंद्र मोदी नहीं, इसका आंसर नरेंद्र तोमर होगा। मैंने सॉरी गलती से आंसर दे दिया था, इसका नरेंद्र तोमर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने पैकेजिंग में उपयोग आने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अमेजन इंडिया ने। जबकि कंपनी ने इस वर्ष 100% प्लास्टिक मुक्त और बायोडिग्रेबल पेपर टैप पेश भी किया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार बिडेन के डिजिटल कैंपेन का चीफ नियुक्त किया गया है? तो ये है मेधा राज। इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा मेधा राज। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला मेधा राज को राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक जो उम्मीदवार है बिडेन, उनके डिजिटल कैंपेन का चीफ नियुक्त किया गया है। वे डिजिटल विभाग के सभी पहलुओं पर यहाँ पर काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत का IIT संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो ये बन गया है हमारा IIT मद्रास। हाल ही में IIT मद्रास ने डेटा विज्ञान और प्रोग्रामिंग में ऑनलाइन डिप्लोमा और BSc कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 2,185 करोड़ की कितनी परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये 18 परियोजनाओं की इन्होंने शुरुआत की है, सॉरी 12 परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें लगभग 67 लाख आबादी को यहाँ लाभ होगा। बुंदेलखंड से शुरू ये परियोजना 4 चरणों में शुरू होगी, जिसकी लागत 10,131 करोड़ रुपए है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 जुलाई को भारत के किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो एज यू नो ये है हमारा भारतीय स्टेट बैंक। तो 1 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे 1 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक आएगा स्टेट बैंक की जगह। रिजर्व बैंक में 10,000 शाखाएं हैं और 8,500 ATM नेटवर्क वाला भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो ये लगाई है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। यूनाइटेड अभी अमीरात ने हाल ही में कोरोना वायरस के मामले की वजह से पाकिस्तान आने वाले सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। यूनाइटेड अभी अमीरात की सरकार ने कहा है कि एयरपोर्ट पर ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा, जब तक टेस्टिंग लैब नहीं बनती तब तक किसी भी यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हाल ही में 36 आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वियतनाम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो ये जो आसियान सम्मेलन हुआ इसका उद्देश्य था COVID-19 महामारी की प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग करना। आसियान समिट का 36वां जो संस्करण है वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये किया गया। अब आसियान की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1967 को, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसके करंट जो महासचिव हैं वो जनरल लिस जोक होई। अगर हम वियतनाम की यहाँ बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है हनोई, मुद्रा है इसकी दोंग, इसके प्रधानमंत्री हैं ग्यूएन तन जुंग और इसके राष्ट्रपति हैं दुएन फू त्रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। इस परियोजना के अंतर्गत COVID-19 से रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है मुंबई और इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता, लोकसभा में यहाँ 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर हैं बोरीवली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तबोड़ा नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और तनसा नेशनल पार्क। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे BARC भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के शहर मुंबई में।
हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारिया गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है जर्मनी के। जर्मन स्ट्राइक ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए थे और उन्हें अपने समय से सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माना जाता है। जर्मनी जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बर्लिन, इसकी मुद्रा है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं मलावी के नए राष्ट्रपति। इस चुनाव में उन्होंने अपने विपक्षी पीटर मुथारिका को 58.57 मतों से हराया था। अगर हम परीक्षा दृष्टि से बात करें तो मलावी मलावी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है लिलोंगवे और यहाँ की मुद्रा है मलावियन कांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है भूटान देश के साथ। भूटान में 600 मेगावाट की खोलोगछु पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। परीक्षा दृष्टि से हम बात करते हैं तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू, भूटान की मुद्रा है भूटानी नेगुल्टम और प्रधानमंत्री हैं लोतोए तेशरिंग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। लाइकेन की रक्षा संरक्षण और खेती के उद्देश्य से उत्तराखंड वन विभाग जो है वह पिथौरागढ़ जिले के मनुसियारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है और इस लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी कहा जाता है। अगर यह उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है देहरादून और गैर सैंण भी इसकी राजधानी ही है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी के हैं और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। लोकसभा में यह 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा की 71 सीटें हैं। नेशनल पार्क है यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। यहाँ पे जो मुख्य झीलें हैं वो है नैनीताल झील, दोड़ीताल झील, नंदीकुंड झील और रूपकुंड झील। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर स्थित है यह भी उत्तराखंड में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों के शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया और ये योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल, इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा में यहाँ 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं जिनमें से मुख्य हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है बियॉन्से को। बैट अवार्ड एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकियों और अल्पसंख्यकों के संगीत अभिनय खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में यहाँ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में चीन के हुआवे और किस कंपनी पर बैन लगा दिया गया है? तो ये है ZTE। भारत के द्वारा चीन की कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अमेरिका ने चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जिसे FCC भी कहा जाता है ने इस कंपनियों को खतरनाक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन हैदराबाद कौन सी जो पहली वैक्सीन है वो हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार की है। तो उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इस वैक्सीन को ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने मिलकर बनाया है। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है? तो उनका था 65th स्थापना दिवस, मतलब कि 65वां स्थापना दिवस, और बैंक की आने वाले 5 वर्षों में पूरे देश में योनो शाखा खोलने की योजना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ये इन्होंने अपना 4th संस्करण जारी किया है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने हाल ही में अपना ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का 4th संस्करण जारी किया है, जिसमें किताबों में महिलाओं को जहाँ भी शामिल किया गया है वहाँ पर पारंपरिक और पुरुषों की तुलना में कम प्रभावी दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कृतिका पांडे है झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य की रांची की 29 ईयर्स की कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया। ये पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए कृतिका पांडे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये खिलाड़ी हैं प्रवीण तांबे। ये आईपीएल में बैन किए जाने के बाद तांबे विदेशी लीग में खेलने की अनुमति चाहते थे, लेकिन बोर्ड ने इन्हें मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हो गया है? तो ये थे 53 ईयर्स के, और ये दिल्ली क्रिकेट के लिए एक जाना पहचाने नाम थे क्योंकि उन्होंने दिल्ली की अंडर 23 टीम के साथ बतौर सहयोगी स्टाफ काम किया था, और उनके निधन पर BCCI ने शोक भी जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? तो ये किया है पाकिस्तानी सेना ने। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। पाकिस्तानी सेना में हाल ही में मेडिकल कोर के साथ संबंध मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो करेक्ट आंसर है शशांक मनोहर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको ICC कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख पद पर रहने के बाद से इस्तीफा दे दिया है। ICC बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। विश्व में जो क्रिकेट मैच करवाता है वो ICC ही करवाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी जो हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई में। इसके अभी फिलहाल CEO है मनु साहनी और अध्यक्ष शशांक मनोहर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसके अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। हाल ही में भारत सरकार ने अटर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो ये अभी फिलहाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये KK जो वेणुगोपाल हैं, भारत के 15वें अटर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी जिन्हें कहा जाता है। वेणुगोपाल को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुडनी जॉनसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 92% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज की, जो कि आइसलैंडिंग राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। आइसलैंड की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी रिक जैविक है। आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी है, और प्रधानमंत्री कैटरीन जैको बजदौतिर हैं, और राष्ट्रपति गुडनी जॉनसन यहाँ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य के लिए। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौता किया है। तमिलनाडु की यहाँ बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, इसके मुख्यमंत्री हैं K. पलानीस्वामी, इसके राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित, और तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा की यहाँ 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पर 234 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो ये चुना गया है रविंद्र जडेजा को।
भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। जडेजा अब तक 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 2020 मैच खेले हैं इन्होंने। अब बीसीसीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो यह है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसका मुख्यालय है मुंबई में। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है, तो ये की है 2 साल के लिए। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर 2 साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है। वर्ष 2012 में हॉलीवुड में वॉइस एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू करने वाली प्रियंका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं, तो ये रह सकते हैं 2036 तक। संविधान संशोधन कानून के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6-6 वर्ष के लिए 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खिलाड़ी के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनाने का रिकॉर्ड है, तो ये है सचिन तेंदुलकर के। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अभी भी 463 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। साथ ही 15 मैन ऑफ द सीरीज भी इनके नाम है, जबकि अब तक 248 वनडे इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले हैं और वह अब तक 36 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के लियोनेस मेसी के कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी ये बन गए हैं, तो ये बन गए हैं 7th खिलाड़ी। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के 7th खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने स्पेनिश ला लीगा के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए पेनल्टी पर गोल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि मेसी ने 862 मार्च में ये रिकॉर्ड और रोनाल्डो ने 972 मार्च निया मैच आएगा मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख की गलवन घाटी में चल रहे तनाव के बीच किस देश ने भारत के समाचार पत्रों वेबसाइट पर रोक लगा दी है, तो ये लगाई है चाइना ने यानी चीन ने। हालांकि भारत में भी चीनी अखबारों वेबसाइट पर रोक नहीं लगाई गई है फिलहाल, और साथ ही चीन में केबल नेटवर्क और डीटीएच से भारतीय टीवी चैनल भी गायब हो गए हैं। निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये दिया है हमारे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में चूक हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार डेविड क्लार्क ने कोरोना को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के बाद आलोचनाओं के बाद इस्तीफा दिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है, तो ये किया है हमारी कर्नाटक राज्य सरकार ने। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना है। तो कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, इसके मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा में कर्नाटक की सीटें हैं 28, राज्यसभा में 12 हैं और विधानसभा में 224 सीटें हैं कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो ये नियुक्त हुए हैं श्रीकांत माधव वैद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 से IOC बोर्ड में निदेशक थे। IOC मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारतीय तेल निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को और मुख्यालय था इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खेल दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल दिवस विश्व स्तर पर खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में किया गया था और इस वर्ष इसकी ये 96वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं जनेवा शहर के लिए। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इससे पहले जनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंद्र भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका कार्यकाल 3 साल का था, जो कि पूरा हो चुका है। जनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में एक देश है। और यूएन की अगर बात करें तो इसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं हिंदी में, संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसमें प्रेजेंटली इस समय 193 कैंडिडेट्स हैं और अध्यक्ष इसके हैं एंटीनो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज की कीमतों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान TV जैसे वैल्यू एडिट सेवाएं ये प्रदान करेगी। HDFC की फुल फॉर्म की अगर यहाँ बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और प्रबंधक निदेशक हैं आदित्य पुरी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी मतलब कि CVO का पदभार संभाला है? तो ये है हमारे रविंद्र भाकर। ये अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। ये इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज के 1999 बैच के अधिकारी हैं और CBFC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और उसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है? तो ये है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी दोनों। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक हैं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को COVID-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कॉर्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी अमेरिकी कंपनी 209 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो ये बनी है हमारी टेस्ला। अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली टेस्ला कंपनी 2009 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ जापानी कंपनी टोयोटो को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया और विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। अब तक टोयोटो को ही सबसे वैल्यूएबल कंपनी का खिताब हासिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है? तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है। ये एम्बुलेंस नेशनल इमरजेंसी सर्विस 108 और राज्य हेल्थ सर्विस 104 नंबर वाली है। इसमें प्रोग्राम की कवरेज के लिए 5 ड्रोन कैमरे का उपयोग भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये थे हमारे फ्रांस के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने आगामी दिनों में सरकार में फेरबदल की संभावनाओं के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि जब तक मंत्रिमंडल का नाम सामने नहीं आता, तब तक फिलिप ही सरकारी मामलों को संभालते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो ये है अमेरिका के, अमेरिका भारत की जो गृह मंत्रालय ने हाल ही में अमेरिका देश के एक पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। रेहान सिद्दीकी बॉलीवुड से जुड़े इवेंट का आयोजन करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वे भारत विरोधी और खासकर कश्मीर प्रोपोगेंडा को फंडिंग भी करता है। हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो ये किया है IIT कानपुर ने।
यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है और यह उत्पाद काफ़ी हल्का है जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए शीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा है। IIT कानपुर की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। इसके जो प्रेजेंट निदेशक हैं वो हैं प्रोफेसर अभय कंदीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों जिसे MSME भी कहा जाता है के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये दी है 750 मिलियन डॉलर को। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो COVID-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगर MSME की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्ल्ड बैंक की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, मुख्यालय है Washington DC में और MD और CEO हैं प्रेजेंटली अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने COVID-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो COVID-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की न्यूजीलैंड ने घोषणा किया और यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था। अगर APEC की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, कार्यकारी निदेशक हैं इसके डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टामारिया, मुख्यालय है इसका सिंगापुर में। और यहीं अगर न्यूजीलैंड को देखें हम तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री है जैसिंडा अर्डनन। और ये एक्स्ट्रा जो नॉलेज है आप लोगों के लिए मैं स्पेशली लेके आती हूँ कि न्यूज़ के साथ साथ आप लोगों का GS GK भी तैयार होता रहे, जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वे कौन थी? तो एज यू ऑल नो कोरियोग्राफर थी वो। सरोज खान को देवदास, जब वी मेट, श्रृंगारम जो कि तमिल फिल्म है, फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा हम दिल दे चुके, सनम, गुरु, खलनायक, चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फॉर अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया है MVenkaiah Naidu ने। इस पुस्तक को CAV पट्टाभिराम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को ICT एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया था और MVenkaiah Naidu जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ICT एकेडमी जो है उसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में, इसके अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लासो को बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है फेसबुक ने। सोशल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म फेसबुक ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लास्टो को बंद करने की घोषणा की है। 10 जुलाई के बाद ये ऐप इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो जियो ने किया है जियो मीट नाम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च, जो कि गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से एक बार में डायरेक्ट कॉल सपोर्ट के साथ 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए मोबाइल यूज़र को मोबाइल नंबर और ईमेल से साइन अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की किस दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये है दवा कोरोनिल को। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और कहा है कि पतंजलि यह दवा केवल शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो ये तीसरा क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा बनेगा, जो कि 100 एकड़ में राजस्थान में बनाया जाएगा।
तो जिसका डिजाइन भी फाइनल कर चुके हैं और बनाने में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा है दुनिया का और मेलबर्न स्टेडियम सेकंड नंबर पे आता है। ये जो बनने जा रहा है राजस्थान में, ये थर्ड सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? तो ये खोला गया है वियतनाम में। हाल ही में वियतनाम के हनोई में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है, जहां पर ठहरने के लिए एक रात की कीमत $250। इस होटल में कमरे से लेकर टॉयलेट तक में गोल्ड प्लेट है। डोल्स हनोई गोल्डन लेक नाम के इस होटल की लॉबी 24 कैरेट गोल्ड से बनाई गई। हाल ही में किस राज्य ने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू किया है? तो जल जीवन मिशन को लागू किया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है सार्वभौमिक कवरेज है और इक्विटी और समावेशिता के सिद्धांत पर यहाँ जोर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि गांव के प्रत्येक परिवार को अपने घर में नल का पानी कनेक्शन मिलना चाहिए और इसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वैशाली मोहंती को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वैशाली मोहंती ने अपने पहले ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था। हम यहाँ यूनाइटेड नेशन UN की बात करते हैं तो इसको संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है और उसके सदस्य हैं 193 और उसके करंटली जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो ये की है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। ये एक टेक्नोलॉजी सक्षम लोन उत्पाद है जहां क्रेडिट मूल्यांकन कर्मचारियों के बजाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा दिया जाता है और लोन बहुत जल्दी जारी हो जाता है। अगर HDFC की फुल फॉर्म देखें तो ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष है इसके CM वासुदेव और प्रबंधक निदेशक हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। हर घर जल योजना का उद्देश्य लोगों तक पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना है ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि BJP के हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता प्राप्त की है? तो ये है फ्रिया ठकराल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा फ्रिया ठकराल को उनके मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता दी गई है। 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्मदिन पर उन्हें रोल ऑफ ऑनर में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है? तो ये है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास में योगदान करने के लिए तैयार करता है। ADB की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताई एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक। स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को, जिसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष हैं इसके मात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है? तो ये साइकिल कंपनी है हीरो साइकिल। भारत की हीरो साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान हीरो साइकिल ने सरकार को 100 करोड़ रुपए दान में दिए थे।
अब हीरो साइकिल जर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग व्यास परिवार परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। तो भारत की राजधानी दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जिसके उद्घाटन राज्यपाल अनिल बैजल ने किया। ये सेंटर कोरोना के मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर कोरोना के मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की है? तो ये है झारखंड राज्य सरकार द्वारा। झारखंड सरकार ने इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की वजह से देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की है। राज्य के आपदा प्रबंधक सचिव अमिताभ कौशल ने इसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो अगर आपको पता होगा कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका आंसर आपको आता होगा। तो ये है उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दी है। गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खेल में दो बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डेन ने संन्यास ले लिया है। इनमें से कौन, जो लिन डेन है, कौन से खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो लिन डेन संबंधित है बैडमिंटन से, जिन्होंने दो बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डेन ने संन्यास लिया है। कैरियर के आखिरी दौर में वे फॉर्म के लिए जूझते रहे और विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर आ गए। लगातार दो बार ओलंपिक पुरुष एकल खिताब जीतने वाले वो एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलिट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा कितने रुपये को हटाने की घोषणा की है? तो ये उन्होंने किया है 2,00,000 रुपये। खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा 2,00,000 रुपये को हाल ही में हटाने की घोषणा की है, जिससे बेहतर परिणाम देने के लिए वे प्रोत्साहित हो सके। तो आज की करंट अफेयर यहीं खत्म होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।